प्रेज लॉर्ड एवरीवन, परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मैराका कांग्रेगेशन चर्च के पास्टर पास्टर जॉन धर्मराज आप सभी को इस अल्फा सीरीज के वीडियो के में हमें शामिल होने के लिए मैं आपसे परमेश्वर से विनती करता हूं। मेरे प्रियो, आज का डेली ब्रेड जो मन्ना परमेश्वर ने जो बाइबल में से दिया, याकूब की पुस्तक पहला अध्याय 19वां वचन, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। हे मेरे प्रियो भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमे हो। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक नोट ऑफ दिस, एवरीवन शुड बी क्विक टू लिसन, स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू बिकम एंग्री। सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए धीमा और नाराजगी के लिए सबसे लास्ट। मेरे प्रियो, ऐसे एक स्वभाव परमेश्वर हमारे अंदर लाना चाहते हैं। आज ये शुक्रवार के दिन में परमेश्वर चाहते हैं, बहुत सारे लोग उपवास में हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से वरदान वर आशीष पाने के लिए शुक्रवार को कई प्रकार के प्रार्थना कर रहे हैं या करने वाले हैं। मेरे प्रियो, आप कितना भी प्रार्थना करो, लेकिन ये तीन बातें आपके जीवन में होना चाहिए। सुनने के लिए तत्पर, सबसे आगे सुनने के लिए, बोलने के लिए धीमा धीरज और नाराज गुस्सा दिखाने के लिए सबसे लास्ट। मेरे प्रियो, हम अगर पहले शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय 26वां वचन वहां पर पढ़ेंगे, जब वो फिलिस्ती गोलियात आकर इसराइल लोगों को डरा रहा था, सब लोग उसकी नजर से चुप गए, तब पहला दाऊद जाकर सुना कि लोग क्या बात कर रहे हैं। वो जाकर सुना, सुनने के बाद बहुत देर के बाद जाकर वो पूछ रहा धीरे से कि इसे मारने वालों को क्या मिलेगा। और मेरे प्रियो, उसके भाइयों ने उसे भगा दिया, उसके भाई ने उसको वो मैदान से भगा दिया, और नाराज नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर एक आग लगी हुई थी। वो अपने आप को कंट्रोल में रखा, जब सही वक्त आया बदला लेने का, वो मैदान में उतर कर आए सेनाओं का यहोवा के नाम से। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीन स्वभाव आज इस वीडियो को सुनने वाले हर किसी के जीवन में आ जाएगी तो आपको इस संसार में नंबर वन बनने में कोई नहीं रोक सकता, इस संसार के आशीष पाने में कोई नहीं रोक सकता, इस संसार की जरूरतों को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता, और आत्मिक वरदान, आत्मिक आशीष और आत्मिक उन्नति में आप दिन ब दिन प्रभु की ओर बढ़ते रहोगे, क्योंकि आप सुनने के लिए तत्पर रहोगे, बोलने के लिए धीरज धरोगे और नाराज होने के लिए आप क्या करोगे, अपने आप को संयम रखोगे। ऐसे गुण जिनके अंदर है वो प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं और प्रभु से विश्राम और आशीष पाते हैं। प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग आज शुक्रवार को उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर से कुछ पाना चाह रहे हैं, अपने जिंदगी में बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो अपने जीवन में बदलाव लाए, सुनने में तत्पर रहे, बोलने में धीरज धरे और पवित्र आत्मा हमें नाराज और गुस्सा और प्रभु परमेश्वर जगने के लिए अपने आप को सबसे लास्ट रखे। प्रभु आप ऐसा करोगे, इसके लिए धन्यवाद। स्वभाव बदलना, जीवन बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी तो तुम्हारे सपने साकार होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करना, सबको प्रतिफल देना, सबको अनुग्रहित करना, यीशु के पवित्र मिले बदलाव से आमेन आमेन आमेन। इस अल्फा सीरीज वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कई सारे लोगों के बीच में भेजकर शेयर कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की महिमा आपके साथ है। आगे वंडरफुल Miraculous Friday, परमेश्वर आप सभी के साथ है। जय मसीह।